और गाय के दूध से पैसे कमाए जा सकते हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन गाय के गोबर से भी कमाई हो सकती है ये बहुत कम लोगों को पता है। राज्य में इन दिनों गाय के गोबर से कमाई की जा रही है, साथ ही बेहतरीन ईंधन भी मिल रहा है। मिल्क फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसानों को इस नई तकनीक से परिचय करवा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दूध देने वाली गाय जैसे ही दूध देना बंद करती है यह किसानों के लिए बोझ समझा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, झारखंड मिल्क फेडरेशन और टाटा स्टील के सस्टेन पल्स ने मैन्योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के किसानों को नई परिभाषा से, यह परिभाषा दूध के ही किसी तरह से गाय के गोबर की कीमत से परिचय कराना। महज 8,000 रुपए खर्च करके राज्य के किसान मैन्योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के हाथों हाथ ले रहे हैं। हमारा हर महीना जैसे खत्म हो जाता था एलपीजी जैसे गैस, तो अभी हमारा एक अभी भर हुआ है, वो भी अभी हाले ही है। जैसे ठंडा मौसम में थोड़ा सा इसका काम है, तो बाकी इसका पैदावार बहुत अच्छा है। मेरा पहले गैस सिलेंडर खत्म होता था 2 एक महीने में, उसके बाद में अभी हमको फायदा हो रहा है तो पैसा बच रहा है, गैस भराने वाला पैसा। हाँ, और गैस खत्म होने का भी चिंता नहीं है? नहीं, उसका भी चिंता नहीं। पहले गोबर का क्या करते थे? बेचते थे, खेत उतने लगाने के लिए खाद उत लेते थे। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि गोबर गैस निर्माण के बाद प्लांट से बड़ी मात्रा में स्लरी का निर्माण होता है। किसानों से यह स्लरी झारखंड मिल्क फेडरेशन खरीद लेता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। किसानों का गोबर कल तक बर्बाद हो जाता था, लेकिन मेधा डेयरी के मैन्योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ने किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी है। स्लरी बिक जाता है और गैस से खाना पक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलपीजी गैस से चूल्हा जलता है। झारखंड मिल्क फेडरेशन किसानों को स्लरी खरीदने के बाद विभिन्न प्रक्रिया से गुजारने के बाद उसका सुधन मेधा खाद का निर्माण करती है, जिसका खेतीहारी किसानों के बीच बहुत डिमांड है। खुद जेएमएम के एमडी इस योजना को लाभकारी बता रहे हैं। का गोल है, इसका प्रोसेस हो रहा है, इसके माध्यम से सर हम जो प्रोडक्ट्स बनता है इसको आगे करते हैं। ये सर सलरी का गोल है, ये मशीन के माध्यम से सर चैनलाइज होते हुए इस मशीन में आ रहा है। इस मशीन में इस घोल से जो सॉलिड पार्ट है वो आगे हो जा रहा है, लिक्विड पार्ट है नीचे उतर जा रहा है। ये सर सॉलिड पार्ट है, अब ये तैयार हो गया, शेप में तैयार हो जाता तो ये हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसको हम प्रोम कहते हैं। और ये फसलों के लिए एज ए आधारीय डोज के रूप में उसको हम फसल में प्रयोग करते हैं। कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, इसको रोजगार के रूप में अपनाया, और जो ग्राउंड रिपोर्ट भी आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि हर कोई चाहता है कि हम किसी तरीके से दूध उत्पादन से जुड़ें। और ये सौभाग्य है हमारे राज्य के लिए कि यहाँ युवा हैं, काफ़ी युवा हैं, और वो आना चाहते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर अपना भयावह रूप लेता जा रहा है उसके गोबर से वो रिप्लेस होगा, तो उनको तरह तरह की आमदनी है, और इसके माध्यम से गोबर गैस प्लांट लग जाएगा, घर का जो जलावन का समस्या है वो दूर हो जाएगा, गोबर बेच के उससे भी पैसा मिलेगा। अकेले राज्य जिले में 400 से ज्यादा किसानों ने मैन्योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का फायदा उठाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका अन्य जिलों में भी तेजी से विस्तार होगा। लगभग 7 से 8 प्रक्रिया से गुजरने के बाद गोबर गैस का स्लरी मेधा सुदन खाद बनकर तैयार हो जाता है, जो खेतों के लिए बेहद ही लाभदायक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना खेतों को और ना ही आपके शरीर को, लिहाजा किसानों के साथ साथ उन तमाम जगहों पर इसकी डिमांड बढ़ गई है जो खेतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, बेड़ो नगरी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।